ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये हवा महल के बाहर का नज़ारा है, और इसको देखेंगे तो ये 5 मंजिला है, ऊपर से नीचे तक 5 मंजिला है। और ये जो छोटी छोटी जाली देख रहे हैं ये इसमें कुल मिलाकर 953 जाली है, और नीचे से इसको देखेंगे तो इसकी कोई नींव नहीं है ये देखिए। और इसको ऊपर से नीचे तक पूरा देखेंगे तो ये ऐसे लगेगा कि किसी राज मुकुट की तरह ये लगता है। दोस्तों ये वाइट डिज़ाइन पिंक कलर नाइट में लेजर लाइट के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी इस वक्त मैं हूँ राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर के अंदर, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हवा महल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाला है और वीडियो आपको पूरा देखना। दोस्तों हवा महल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक राजसी महल है, और इसकी डिज़ाइन है जो काफ़ी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों इस तरफ देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन है बड़ी चौपट, और इस तरफ कैमरा एंगल करेंगे तो यहाँ पर है हवा महल। ये चलिए अब हम हवा महल के अंदर चलते हैं, और यह है हवा महल के अंदर जाने का रास्ता। ये बोर्ड पर लिखा है हवा महल जाने का रास्ता, यहाँ से हमको एंट्री करना है अंदर हवा महल के अंदर। यहाँ पर देखिए ये एंट्री गेट है, और ये दरवाजा है। जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइनें हमको देखने को मिलेगी। ये देखिए ये हवा महल के अंदर का, अभी तो ऊपर चलना है, ऊपर से दिखाएंगे। अभी तो आगे है, यहाँ पर ये लिखा है हवा महल। यहाँ से हमको टिकट लगे अंदर प्रवेश, टिकट हमने ले लिया है 1 पर्सन का, 52 रुपये का टिकट है हवा महल के अंदर घूमने का। ये देखिए ये हवा महल के पीछे का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ से हमको अंदर एंट्री करना है। हवा महल, हवाओं का महल काफ़ी दिलचस्प है। इसे महाराजा सिपाही प्रताप सिंह ने 1799 में दरबार के हरम के लिए बनवाया था, ताकि वे शाही जुलूस और सड़क पर होने वाली जिंदगी को देख सकें। गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बना यह महल अपनी शानदार वास्तुकला और इसकी 953 खिड़कियों पर बनी खूबसूरती जाली के लिए जाना जाता है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है, जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई लगभग 87 फीट है, यानी कि 26.15 मीटर है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिला की चौड़ाई का आयाम 1 कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है जो कि महल के पीछे के हिस्से में बना हुआ है। हवा महल के अंदर आएंगे तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमको दिखाई देगा। ये छोटी छोटी छतरियाँ ऊपर बनी है, और जैसे ही एंट्री लेकर टिकट लेकर हम अंदर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। देखिए बाहर जो ऊपर का गेट है उसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए और दूसरा गेट पार करके हम अंदर आएंगे तो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन है, और इस प्रकार की शैली जो इसके अंदर की गई है हमको देखने को मिलेगी। और बीच में देखेंगे तो एक लेजर शो लगाया हुआ है हवा महल के अंदर। ये दूसरा गेट जो है उसके ऊपर भी एक अच्छी सी खूबसूरत छतरी बनाई गई है, और ये छोटे छोटे झरोखे जो आप देख रहे हैं ये पूरे हवा महल के चारों कोनों पर लंबे कतार से बनाए गए हैं। ये देखिए जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। देखिए अभी मैं ऊपर की मंजिल पर हूँ, और ये यहाँ पर पहला दरवाज़ा है, और पहले दरवाजे से निकलकर हमको दूसरे दरवाजे के अंदर घुसना है, और फिर दूसरे दरवाजे के अंदर घुसने के बाद यह आगे एक बड़ा चौकान आ जाता है, और यहाँ से जो दिखता है नज़ारा ये पूरा हवा महल का ऊपर की मंजिल से इस तरह दिखता है। ये देख काफ़ी खूबसूरत
नजारा है ये देखिए, चलिए अब अंदर से हम आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ रंगदार झरोखे जो है वो दिखाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे दरवाजे ये यहाँ पर लगे हैं, और ये देखिए जो खिड़की है वो काफ़ी रंगों के अंदर डिज़ाइन की हुई है ये देखिए। और इस तरफ आएंगे तो ये जो गेट लगा है ये आप देख रहे हैं, ये भी पुराना गेट ही है, उसी टाइम का जिस टाइम हवा महल बनाया गया था। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नीचे का नज़ारा है और हवा महल की तीसरी मंजिल का है। अब हम चलने वाले हैं चौथी मंजिल के ऊपर। चौथी मंजिल जो है ये वो है, चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए हम चौथी मंजिल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। ये देखिए ये जो गलियारा आप देख रहे हैं ये चौथी मंजिल का गलियारा है। ये चौथी मंजिल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और पांचवी के ऊपर जाने के लिए हमको वहां चलना पड़ेगा ऊपर। देखिए पांचवी मंजिल जो है वो है, काफ़ी ये जो गलियारा आप अंदर जाने का देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये देखिए यहीं से देख लेते हैं, ये जो नीचे का नज़ारा दिखता है ये कुछ यूँ इस प्रकार दिखता है, ये देखिए ऊपर से। चलिए अब पांचवी मंजिल से वापस से नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं, पांच मंजिल तक हम घूम चुके हैं, नीचे चलते हैं। पूरे हवा महल जो है उसका नक्शा यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार बना है ये। हवा महल के अंदर से इस गलियारे से हम आएंगे और इस तरफ आएंगे तो एक गणेश जी की मूर्ति है देखिए, और इस तरफ देखेंगे तो ये प्राचीन शिलालेख है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये जो चौपान आप देख रहे हैं ये पूरा इसमें शिलालेख ही लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी दर्शा रखा है और यहाँ पर भी है शिलालेख, और यहाँ पर भी शिलालेख है और इसके बारे में यहाँ पर भी दर्शा रखा है, और वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हम हवा महल से अंदर की ओर से आएंगे तो ये पूरी जो गैलरी आप देख रहे हैं इस तरफ होते हुए हमको इस तरफ आना है और इस तरफ है बाहर जाने का रास्ता। ये देखिए यहाँ पर एक ये लिखा हुआ ये पूरी गैलरी है दोस्तों, जहाँ से हम गेट से एंट्री लेंगे वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, और बाहर निकलने का रास्ता ये जो है ये है, एक बड़ी सी गैलरी है और जगह जगह पर लिखा भी हुआ है कि बाहर जाने का रास्ता ये देखिए, इसको पढ़ते हुए हम बाहर जा सकते। देखिए उस गेट से हम घुसे थे अंदर और इस गेट से वापस बाहर की ओर आ गए, और ये है बड़ा गेट जिससे हम रोड की तरफ बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, और बाहर निकलेंगे तो ये जो सामने आप सब बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी गुलाबी कलर की, ये देखिए ये पूरी सिटी जो है पिंक सिटी ये पूरी गुलाबी पत्थरों से बनी हुई है। दोस्तों हवा महल हम घूम चुके हैं, पूरा हवा महल हम आपको दिखाते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और दोस्तों मैं इसी तरह के पुराने वीडियो लाता रहता हूँ। और आज हमने पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हवा महल देखा है। और दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय।